तो वेलकम टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट फेडरेशन। आज दोस्तों आज हम लोग दुबई के कैटल मार्केट में हैं, जहाँ पे गाय का, बैल का, बकरियों का काफी बड़ा बाजार है। यूएई का पूरा मार्केट है, सेंट्रल मार्केट है, काफी बड़ा है। काफी लोग यहाँ से आके ट्रेड करते हैं, मोस्टली पाकिस्तान है, इंडिया से भी कुछ थोड़े लोग हैं। तो हमसे इनसे जानकारी लेते हैं कि भाई क्या है, यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, कितने दिनों से कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल मलिक है। अब्दुल मलिक जी है, कहाँ से सर आप? पाकिस्तान से। तो ये इनका शॉप है और यहाँ पे अभी देखेंगे हम लोग, हमें बताएंगे कि अभी हमें बताइए कि कितने बकरी आपके पास है, कहाँ से आई है? हमारे पास 3-4 किस्म की बकरी है, पाकिस्तानी है, इंडियन है और ईरानी है, सोमालिया। तो आजकल ज्यादातर जो है ना सोमालिया का माल आ रहा है और ईरान का ज्यादा, ईरान का, क्योंकि ये लॉन्च में आ रहे हैं। लॉन्च में मतलब वो बड़े शिप में, बड़े शिप में क्वांटिटी ज्यादा रहती है, नंबर ज्यादा रहता है। अच्छा, तो आप मुझे दिखाएंगे कुछ बकरे कौन कौन से वैरायटी? ये देख, ये सर जी इनको ईरानी बोलते हैं। ईरानी? हाँ ईरानी। इसकी कीमत जो है ना 500 से 550 तक है। 500 से 550 दिरहम पर बकरी जो भी पर पीस। और ये क्या वेट होता है इसका? इसका सर जी 10 kg, 11 kg, 12 kg तक है सर। 10 से 12 kg तक वेट होता है। और ये उम्र कितनी होती है इनकी? 6 से 8 महीना। 6 से 8 महीना तक। इससे बड़े हैं वो 700-800 में 14 से 15 kg का वजन आते हैं। अच्छा अच्छा, तो अभी ये उसके बैक साइड में है, वो हमारे पास बकरे हैं ईरानी दुम्बे। अभी ये कितने दिन यहाँ पे रहे, मतलब कितने दिन हो गए यहाँ पे आए? अभी इनको 2 से 3 दिन हो गए हैं इधर आए। कहाँ कैसे आए? शिप से आए? शिप से आए। शिप से आए, मतलब ये कहाँ से आए? ईरान। ईरान से शिप से आए हुए। कितने बकरे आए होंगे शिप में? शिप में कितने आते हैं सर जी? एक शिप में 450, छोटा जो शिप है उसमें 450 पीस आते हैं। जो बड़ा है उसके 1000 से ऊपर आते हैं। अच्छा, वो मुख्तलिफ ताजर हजरात हम उनसे जो खरीदो फरोख्त करते हैं ना, वो एक ताजर दो ताजर मिलके ना बड़े शिप में माल लेके आते हैं। अच्छा, और इधर जो हम ये खाने बनाए हुए हैं, हम ये छोटे ताजर हजरात जो इधर से सेल करते हैं ना, उनसे फिर हम ये कास्ट करते हैं, पकड़ते हैं। अच्छा, और हम इधर रात के ना जो कस्टमर आता है, हम 1 by 1, 2 piece, 10 piece ऐसे सेल करते हैं। अभी हमारा माल जो है ना बहुत, हम बहुत ही कम ले रहे हैं, क्योंकि अभी प्लेन में इंडिया का माल आएगा ईद के लिए, और पाकिस्तान का आएगा, और ईरान का आएगा, सोमालिया का आएगा। फिर जो है ना हम इंडिया पाकिस्तान जो भी माल है ना, हम ईद पे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा कमा लेते हैं, अच्छा खासा सेल होता है। अच्छा, एक एक शॉप का 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख तक हमारा सेल हो जाता है। अच्छा, मतलब वो ईद से 15 दिन पहले और ईद के 3 दिन, ये 3 दिनों में। अभी आप कब? अभी इंशाल्लाह अगले महीने के 7-10 तारीख को। इंडिया से प्लेन से भी काफी माल आता है? बहुत आता है सर, बहुत आता है। इंडिया से उतरता है प्लेन से, आके एयरपोर्ट में आता है सर जी। ये फिर हमारा ये बल्दिया का ऑफिस है, इधर माल लोडिंग अनलोडिंग होते हैं इधर से। हम तो ये बड़े ऐसे छोटे छोटे ट्रक में लेके, हाँ ऐसे छोटे छोटे ट्रक में, इसमें फिर वहाँ से आते हैं इधर। तो जो शिप में लोग आते हैं, लोग कौन है पता है आपको? सर जी वो जो शिप में लोग आते हैं ना, वो खासकर ज्यादातर इंडिया के ताजर हैं। उसमें जो है ना नाम तो है एक लोग, वो शायद मैं ले लूँगा, पूरा माल में फायदा नहीं। अच्छा ठीक है, मुझे बात नहीं बताइए। तो ठीक है, तो अभी आप एक दिन में, एक महीने में कितने बकरियाँ बेचते हैं आप? सर जी अगर काम चल जाए ना, अभी तो काम बहुत कम है, क्योंकि हर आदमी ईद का वेट कर रहा है। अच्छा ठीक है ना। हाँ, तो अभी हमारा 20 दाना, 40 दाना, 50 दाना ऐसे पर डे में चला जाता है। ऐसे ऐसे कभी एक दिन ऐसा भी आ जाता है सब माल एक ही दिन में से, क्योंकि ऑर्डर आ जाते हैं ऐसे। बराबर, माशाल्लाह, ये यूएई बिजनेस का शहर है ये ना, इधर ये तकसीम करने वाले ज्यादा हैं, खाने वाले हैं, ये अल्लाह के नाम से देते हैं, सुनता देते हैं, डोनेट करते हैं ये इस तरह। तो अभी आप लोग यहाँ पे ये जो होता है, मतलब इनका जो फीड है, जो खाने का है, वो भी यही से कैटल, वो इसी कैटल मार्केट में उनका अलग सिस्टम है, अलग साइड, एक साइड में। तो आप जनरली एक बकरा कितने दिन तक रखते हैं, मतलब कितना दिन ज्यादा से ज्यादा रहता है? ज्यादा से ज्यादा हमारे पास सर जी 8 से 10 दिन रहता है। 8 दिन, 8 दिन रोटेशन रहता है। मतलब अभी कितने बकरे सब मिलना चाहते हैं? बहुत है अलहमदुल्ला, ये 350 बकरे, 350 बकरे। ये सर इसलिए इधर लेके आया है, हमारा स्टोरेज आउटसाइड में है, ठीक है ना। इधर जितना सेल होते हैं फिर इधर लेके आते हैं। अच्छा, तो वहाँ से फिर जितना भी बढ़ते रहते हैं, गर्मी की हीट जो है ना थोड़ा ज्यादा हो जाता है ना, बकरी ज्यादा हो। तो यहाँ पे फिर इनको बीमारी वगैरह बाकी वो तो है, माशाल्लाह हमारा ये यूएई का जो बल्दिया सिस्टम है, डॉक्टर है, शाम के वक्त स्प्रे करते हैं इनको, वैक्सीनेशन होता है, ये ऐसा नहीं है, माशाल्लाह बहुत ही इनका देखभाल। अच्छा, तो आगे दिक्कत है कि और कौन सी बकरी? ये ईरान के होते हैं,
यहाँ की है। ये जो है ना सलाला बोलते हैं, ओमान का सलाला बकरा इनको बोलते हैं। ओमान का सलाला बकरा, अच्छा। ये जो है ना, ये खासकर बहुत महंगे है, लेकिन ये अरबी लोग ये खाने वाले हजरात हैं, छोटे बकरे छोटे बकरे लेते हैं। और इसका रेट क्या होता है? इसका रेट कम अज कम 450 से 500। छोटे होके भी महंगे बड़े उसके सस्ते हैं, छोटे इनके महंगे। तो इनका अभी इनका उम्र कितना होगा? इनका उम्र 3 महीना 2.5 महीना। ऐसे 3 महीना 2.5 महीना। अभी इनके कान को ये लगा हुआ? ये डॉक्टरी होते हैं, डॉक्टरी मतलब मेडिकल रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट लगा हुआ। और इन जानवरों का इंश्योरेंस वगैरह भी होता है? सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। तो ये सब यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ होता है। तो ये सारा इनका देखभाल भी किया रहता है, यहाँ पे वेटरनरी डॉक्टर सब। हमारे पास जो इंडियन माल आया हुआ है वो आप चेक कर लें। तो भाइयों देख सकते हैं आप, भाइयों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंडिया से भी काफी माल आ रहा है। तो काफी लोग हमें पूछते हैं कि ये करना है वो करना है, वहाँ और रह के आप फोन मुझे करते हैं। थोड़ा मार्केट में आइए, भारत के बाहर निकलिए, मार्केट देखिए, बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया का। यहाँ पे प्रेजेंस ही नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, है ना। यहाँ पे तो अभी ये भाई लोग हमारे ऐसे माल लेके बेच रहे, बट ये और यहाँ पे आके इनसे तालुकात बढ़ा के दुबई वही बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो जिनके पास क्षमता है, जिनके पास प्रोडक्ट है, जो कर सकते हैं, उनको यहाँ पे आना चाहिए। हमारा नंबर सारे इंडिया लाइव पे चलाएं, अगर किसी को चाहिए। हाँ, हमारा नंबर लिख ले देंगे, इनका नंबर भी हम लोग शेयर करेंगे। तो मुझे बताइए कौन सा वैरायटी का है और कितने बकरी है? ये इंडियन है सर जी, ये तरबिया के लिए अक्सर लोग लेके जाते हैं, क्योंकि आजकल ये जो तरबिया माल दुबई में लेके जा रहे हैं ना, ये ज्यादा शेयर हो रहे हैं, इनको पालने वाले हजरात जो आते हैं लेके जाते हैं। अच्छा, ये इसलिए हमने ये रखे हैं। अच्छा, अभी ये प्लेन में आते हैं अभी। हाँ, ये मेरे ख्याल से इस टाइम ये 350 से 400 तक है। अभी इनका रेट 350 से 400 दिरहम है पर पीस। और अभी कितना वेट रहेगा इनका? क्या उम्र? इनका उम्र 3 महीना है। अच्छा, ठीक है ना। वेट इनका 6 से 7 केजी का, 6 से 7 केजी वेट है और 3 महीने का उम्र है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो काफी सारे इंडिया से। तो आपने ये प्लेन से आए हुए? प्लेन से आए हुए, प्लेन से आए हुए है। और फिर आपने वही कहाँ से यहाँ पे आते, यहाँ पे खरीदा? हमने यहाँ से। ठीक है, तो आप लॉट में ही खरीदते? हाँ, हम लॉट में खरीदते। 100 दाना 200 दाना 500 दाना। और आगे कौन से है? ये ईरानी बकरे है बड़े, जिसका मैं आपको बात बता रहा था। ये ईरानी बकरे, क्योंकि आजकल डांच में ईरानी बकरे ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि वो बासानी आ सकते हैं, क्योंकि ये आप देख लें माशाल्लाह ये अलग दिखते हैं। ईरानी जजीरी होता है, एक ईरानी होता है। जो फर्स्ट में आपने देखे, ईरानी दो किस्म के होते हैं, एक ईरानी जजीरी होता है और एक ईरानी। ये आप देख रहे हैं ये ईरानी बकरे हैं, और जो फर्स्ट में आपने देखे हैं उनको बोलते हैं ईरानी जजीरी। अच्छा, वो थोड़े महंगे हैं, ये थोड़े। इसका कीमत क्या है? 650 है, 600 से 650। इसका वेट क्या है? 12 से 13। और क्या उम्र क्या है? उम्र इसका 7 से 8 महीने। अभी ये खाना आप ये ऐसे ही कुछ? हाँ, ऐसे ही डाल देते हैं। इसमें चना चूरी है। अच्छा, चना चूरी है और दाल है इसमें, मिक्स है, मिक्स करके हमारा नंबर है 0569391213। कोई भी मालूम लेनी हो तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे लिख के दीजिए, मैं आपका शेयर करूंगा। ओके, हमारे भारत के काफी दर्शक है, भारत के है, पाकिस्तान के है, बांग्लादेश और दुबई के भी काफी लोग हमारा यूट्यूब चैनल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पटिशन देखते हैं, यहाँ से सीखते हैं। अल्टीमेटली हम लोग चाहते हैं कि लोगों को इसकी मालूम मिले और आगे और अच्छा व्यापार हो, तो आपको भी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट मिले, अच्छे दाम में मिले, है ना। तो और लोगों को फायदा हो, आपको भी, हमको भी, हमारे दर्शकों को भी फायदा हो। हम इंशाल्लाह अच्छी मालूम देंगे आपको। जी, ये कमा सकते हैं अगर आप इधर इन्वेस्ट करें। हाँ, यूएई में इस एरिया में तो आप बहुत कमा। हमने ऐसे चंद मिसालें देखी है हमारे एरिया में, जिनके पास वो टिकट के पैसे नहीं थे, इधर आके उन्होंने 1 लाख दिरहम से 50,000 दिरहम से बिजनेस स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह उनका आज लाखों में है। वक्त मिलता है, वक्त लाजम देना होगा आपको। कोई भी बिजनेस है वक्त लाजमी है, तो इन्वेस्ट बिजनेस कोई भी हो वो स्टेप बाय स्टेप आपने करेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं, आ जाए कोई भी मालूम तो हम आपकी खिदमत के लिए अगर आ रहे हैं। भाईजान का बहुत शुक्रिया, उन्होंने अपने प्रोग्राम में हमको शामिल किया। अस्सलाम वालेकुम। तो आप देख सकते हैं कि क्या सलाह वो दे रहे हैं कि दूसरे मुल्क से आए हैं यहाँ पे आके, वहाँ देखा कि कितने लोगों ने तरक्की की है और ये भी तरक्की कर रहे हैं, काफी अच्छा सेल कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ईद के टाइम पे उनको इतना मुनाफा होता है कि पूरे साल का मुनाफा, पूरे साल का मुनाफा। थोड़ा अंदर जाएंगे, थोड़ा इंडियन बकरे देखेंगे, क्योंकि इंडिया के काफी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये इंडियन बकरा है। तो
उसकी सेहत है या बाकी ना हाइट है, बाकी सब कुछ है, एकदम बढ़िया है, अच्छा दाम, अच्छे उम्र में बिल्कुल छोटे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं कि दांत दांत भी इनके है ना, दांत दांत देख के उसकी उम्र समझती है ना। तो काफी सारा यहाँ पे दिख रहा की पोटेंशियल है मार्केट में, और भाई साहब यहाँ पे है काफी अच्छा काम कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, काफी कम लोग होते हैं कि जो लोगों को बताते हैं, हेल्प करते हैं, है ना। तो ये सब काफी अच्छा है, तो देखिए देखते रहिए, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फेडरेशन को फॉलो करते रहिए, आपको भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन से यहाँ पे फायदा होगा, आप भी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं और डेफिनेटली सबसे धन्यवाद भैया आपके साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये कितने सालों से काम करें? मुझे सर जी कम से 7 साल हो गए हैं, यही कर रहा हूँ। पहले मेरे फादर का काम करते थे, वो अभी मतलब चले गए, उनकी जगह मैंने ये सब दुबई के कैटल मार्केट में है, रोड का मार्केट है, तो ये भाई साहब तो इनका ये शॉप है, यहाँ पे काफी सारे बकरे रखे हुए हैं बेचने के लिए, और भाई साहब आपने अभी एक बकरी, तो आप बताएंगे आपका नाम और कहाँ से? तरफ जी मैं पाकिस्तान से, मेरा नाम अब्दुल लतीफ है। और अभी आपने कौन सा बकरा, कौन से जात का बकरा खरीदा? अच्छा, और कितने किलो का था वो? तकरीबन 13 किलो तक आ जाएगा। और क्या रेट में मिला आपको? 550 का। तो आप कितने फ्रीक्वेंसी से खरीदते हैं बकरे, मतलब हर हफ्ते खरीदते हैं? मैं महीने में 2 बार। महीने में 2 बार। अभी इसका क्या, अभी आप क्या करते हैं खाने के लिए? हम जो है ना अभी यहाँ पे मकसद है आगे बराबर में, यहाँ से बाहर जाते हैं, हुकूमत गवर्नमेंट का है बल्दिया दुबई में, उसको 20 दर दे के जो है ना वो बड़ा बड़ा पीस बना चाहिए, पहाड़ के इसका नमकीन स्टाइल जो हमारे पाकिस्तानी स्टाइल होते हैं बनाते। तो ये दुबई का मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है, यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग देशों से यहाँ पे आए हुए हैं बकरे, तो आप मुझे पता ही बताने कहाँ से आए हुए हैं, यहाँ से क्या उसका उम्र है, क्या और क्या रेट है, और कौन से है? इंडिया और पाकिस्तान से, बिहार से नहीं आ रहे, ईरान का बकरा है, बड़ा छोटा है, 14 किलो। अच्छा, और क्या रेट में? 550 वजन का ईरान का दुबई, ये देख लो आप, ये दुबई ईरान का, ईरान का दुबई 650। तो ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं ये कौन से ज्यादा बिकता है? ये तुम बड़ा छो ज्यादा लोग, ये मेनली है मतलब शिप पे ही है, आप देख सकते हैं ये कौन से कहाँ से आया हुआ है, कौन सी वैरायटी का है, ये इधर के लोकल। तो ये इसका दूध के लिए भी यूज करते हैं ना? दूध बकरे का छोटा बच्चा होता है उसको देते हैं। अभी इसका क्या रेट होता है? इसका रेट 500-600। और फिर ये मतलब ब्रीडिंग के लिए यूज करते हैं क्या? नहीं, दूध के लिए, करने के लिए, करने के लिए, दूध के लिए रखा हुआ। कितना दूध देते हैं? दूध ये देते हैं 1 लीटर तक। ये 12 किलो तक, 500 ईरान से काफी आ रहे हैं, तो फिर इंडिया से माल नहीं। ये कहाँ से आए? ये भी ईरान से ही आता है, ये भी काफी बड़े दिख रहे हैं। इनका क्या रेट होता है? इसका रेट 600-650। ठीक है, अभी का रेट है सही है, इसका टाइम नहीं मालूम, महंगा हो जाएगा, थोड़ा महंगा हो जाएगा। अभी ये जो आते हैं बकरे कैसे आते हैं, मतलब शिप से आते हैं, कैसे आते हैं? ये लॉन्च में, लॉन्च में आते हैं, डॉक्टर चेक करता है, डॉक्टर हो जाती है इसकी। अच्छा, कर लेते हैं। और आप लॉट से खरीदते हैं? तो आप एक दिन में कितने बेचते हैं बकरे? बेच लेते हैं 30-40। मतलब हमेशा ही आपका वॉल्यूम हमेशा ही चलता है? तो आपका अलग भी कुछ वहाँ अलग रखे होंगे, तो यहाँ पे बेचने के लिए लाते हैं? सतोर पे रखा है। अच्छा, वो साइड में। अच्छा, उधर से जब ये क्लास हो जाए तो उधर से लेके। ओके ओके, और कितने सालों से ये बिजनेस कर रहे हैं? ये बिजनेस 30 साल से ऊपर, 30 साल के ऊपर। हाँ, 30 साल से। तो अच्छा चलता है फिर? 12 महीने अच्छा चलता है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। अच्छा,
तो इंडिया से कभी आपने खरीदा नहीं कुछ? इंडिया से जो बकरे आते हैं, इंडिया का जो बकरे आते हैं इंडिया का बकरा भी खरीदते हैं। अच्छा, उसका कैसा डिमांड रहता है? लाइक डिमांड ऐसा है कि तो बट उसको भी डिमांड रहता है, क्वालिटी उसका चलता है, आज चलता है, उसका टाइम में ज्यादा चलता है। अच्छा, इसका टाइम में इंडियन बकरा ज्यादा चलता है। अच्छा ठीक है, तो आप देख सकते हैं भाइयों कि ये बहुत बड़ा बिजनेस है यहाँ पे, कैटल फीड का मार्केट है, काफी सारे लोग यहाँ पे आके ट्रेड कर रहे हैं। पाकिस्तान का डोमिनेंस यहाँ पे दिख रहा है, इंडिया से भी बकरे आ रहे हैं लेकिन आगे रीसेलिंग में अपने लोग यहाँ पे बहुत ही कम है। तो अगर आप यहाँ पे आके काम स्टोर करना चाहते हैं, इनको भी बेचना चाहते हैं, इनका भी नंबर हम लोग आपसे शेयर करेंगे। अगर आपको बेचना है यहाँ पे, एक्सपोर्ट करना है, तो इन लोगों से आप कॉन्टेक्ट करके अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा अभी यूट्यूब चैनल भी है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, दुबई के काफी लोग देखते हैं, वो लोग डेफिनेटली आपको कॉन्टेक्ट करेंगे। आप लोग बिजनेस कार्ड मुझे दीजिए, हम लोग दिखाएंगे अपने चैनल पे। और इंडिया के भी काफी हमारे एक्सपोर्टर काफी हैं जो यहाँ पे लाना चाहते हैं, तो अगर हम लोग कोशिश करेंगे अभी एक लॉट लाने का, लाओ लाओ से संपर्क करेंगे, देखते हैं। अभी सबका बिजनेस हो, सबका व्यापार हो, सबकी तरक्की हो, यही हम चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।